बहुत परेशान दिखाई देते हो, क्या हुआ? इस बदनसीब की कहानी सुनकर क्या करेंगे? अपना दुख औरों के साथ बांट लेने से दुख का बोझ हल्का हो जाता है बेटे। क्या पढ़ रही है? बाइबल। बागी बेटे की कहानी पढ़ रही हूँ, द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन। सुनिए। श्योर। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वो भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे। नहीं पिताजी, मैंने कह दिया बस, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दीजिए अभी और इसी वक्त। मैं आज यहाँ से जाकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। नई उमंगे, नई तरंगे, नया तराना है। नई उमंगे, नई तरंगे, नया तराना है। जिसके पास है हिम्मत उसके साथ जमाना है। नई उमंगे, नई तरंगे, नया तराना है। मैं उस फिल्म को सुपरहिट बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आप देखते जाइए, ये 10 लाख 10 करोड़ में कैसे बदलते हैं। ग्रेट ग्रेट, देवराज जी ने हिट म्यूजिक कंपनी से बात की है, कल हम उन्हें गाना सुनाएंगे, उसके बाद आपकी जोली में टका टक पैसा फंसते रहेंगे। मैं पिछले 1 घंटे से रूम नंबर 805 को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फोन, विल यू प्लीज चेक। आप मिस्टर डॉन के कमरे की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उन्हीं के कमरे की बात कर रहा हूँ। मिस्टर डॉन और टीना जी तो शाम को ही कमरा छोड़कर यहाँ से चले गए। क्या, कमरा छोड़कर चले? अच्छा, आपको मालूम है वो किधर गए होंगे? मुझे नहीं मालूम सर। देवराज जी, क्या है? आप तो मेरा म्यूजिक कंपनी को करोड़ों में बेचने वाले थे, उसका क्या हुआ? मैं दोबारा म्यूजिक बेचूं? आपको मालूम है रात के कितने बजे? हाँ, कहाँ की शराबत है कि आधी रात के वक्त लोगों की नींद आराम की जाए? हाँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? आपको लूट लिया तो हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट पर छानबीन कर सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन्होंने मुझे लूट लिया है। आप अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, समझे आप? देशपांडे, बस आपको बाहर ले जाइए और इनके FIR दर्ज कराइए। ले जाइए इन्हें। साहब देखिए मेरी बात, प्लीज प्लीज। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरी कहानी है, बिल्कुल मेरी अपनी कहानी है। शायद किसी मकसद से ही हमारी यहाँ ये भेंट हुई। वो जो मैंने तुम्हें ट्रेन में बाइबल से पढ़कर कहानी सुनाई थी, उसे याद करो। अपने बूढ़े पिता के पास लौट जाओ, वो यकीनन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पानी आँख में सपना नहीं, चंद सांसों अलावा कोई भी अपना नहीं। बदली बदली है बदली बदली है जमाने, फिजा में लिए सांस लेना ही है अब तो एक सजा मेरे लिए। जिंदगी है
रफी बाबा उठो बाबा बाबा मैंने पाप किया बाबा, मैं आपकी और परमेश्वर की नजरों में पापी हूँ बाबा, मैंने पाप किया है। बड़े भैया मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरा राफी एक नए दिन जरूर वापस आ जाएगा, कहा था ना मैंने? देखो मेरा बेटा वापस आ गया है, जिसका मुझे कब से इंतजार था वापस आ गया है। जाओ अपने छोटे मालिक को ले जाओ, उसे नहलाओ, उसे नए कपड़े पहनाओ और एक ऐसे जश्न का इंतजाम करवाओ कि हर एक अश अश कर उठे और मेरे हर दोस्त को न्योता दो और उसे कहो कि हमने जो बेटा खो दिया था वो हमें वापस मिल गया है और इसलिए हमारी इस खुशी में हर एक शामिल हो जाए। ए, ए। नहीं बाबा नहीं। चलो चलो